सबसे पहले चैप्टर का नाम तो जैसे कि आपने देखा कि होल्डिंग कंपनी है, और इसको हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी भी कहते हैं, और इसको हम कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और होल्डिंग का कॉन्सेप्ट लॉ के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, पहले लॉ के अंदर आया हुआ है। तो अगर मैं होल्डिंग की बात करूं, तो होल्डिंग कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस लिमिटेड है। पहले होल्डिंग किसे बोला जाएगा वो समझते हैं, रिलायंस लिमिटेड है। तो मेरे हिसाब से और आप सभी के हिसाब से भी रिलायंस लिमिटेड एक जो है कंपनी है, और जो कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मतलब कि बड़ी कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब रिलायंस लिमिटेड है और एक है, और रिलायंस लिमिटेड का कारोबार क्या है बताओ? इनका बहुत सारा काम है, बाकी मेन काम इनका क्या है? ऑयल का। या फिर हम सपोज करो मेन काम इनका मान लेते हैं हम जियो जो है इनका, ठीक है ना। ये बड़ी कंपनी है एक तरीके से, और इंटरनेट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। अब बहुत सारी ऐसे कंपनी है जैसे कि मैं इंटरनेट प्रोवाइड करने का, और इनका एक कंपनी है मान लेते हैं डेन। आप सभी के घर पे केबल टीवी, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा डेन नेटवर्क, सुना है नाम। इसका भी काम इंटरनेट प्रोवाइड करने का है, इसका भी इंटरनेट प्रोवाइड करने का, इसका भी इंटरनेट। अब सर कहीं ना कहीं, अब अगर मैं बोलूं कंपनी खरीदने की अगर बारी आएगी कि कोई कंपनी एक दूसरे को खरीदना चाहता है, तो रिलायंस डेन लिमिटेड को खरीद लेगा या फिर डेन लिमिटेड रिलायंस को खरीद लेगा, बताओ कौन किसको खरीदेगा? रिलायंस ही डेन को खरीदेगा, ठीक है। अब खरीदने का मतलब होता है कि अगर रिलायंस चाहता है कि मैं इसकी कंपनी के खरीद लूं, तो इसको कुछ नहीं करना। रिलायंस को खरीदने का मतलब है कि उसे सिंपली इसके कंपनी का अगर 51%, यानी 50% से ज्यादा, जो कि मैं 51% बोल रहा हूं, 51% अगर इसका शेयर होल्डर फंड खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है सर? बेसिकली बोला जाए तो इसका इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद ले, क्योंकि मालिक तो कंपनी का यही होता है। और अगर दूसरे टर्म्स में बोला जाए तो इसका शेयर होल्डर फंड खरीद ले। अगर 51% से ज्यादा जैसे ही रिलायंस लिमिटेड इसके शेयर होल्डर को खरीद लेगा, तो फिर इस कंपनी को सारा का सारा बातें मानना पड़ेगा रिलायंस का, यानी इस कंपनी के ऊपर रिलायंस लिमिटेड का होल्ड हो जाएगा, यानी रिलायंस लिमिटेड इस कंपनी को अपने मनचाहे तरीके से चला पाएगा, क्योंकि 51% मतलब मेजोरिटी स्टेक हो जाता है, और हो सकता है 100 भी खरीद ले, तो यानी ये अपने मर्जी से चलाएगा। और एक मुद्दे की बात आती है सर, रिलायंस लिमिटेड इसकी कंपनी को खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि कंपटीशन खत्म करने के लिए ऐसा कंपनी करती है कि दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, या तो दो कंपनी मिलकर बड़ी बन जाती है कि ताकि टक्कर दे पाए, या फिर क्या करती है, बड़ी कंपनी ना सारी छोटी कंपनी को खरीद लेती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, टेक्निकल है, आपको पता हो, माइक्रोसॉफ्ट और आपका अमेजोन। माइक्रोसॉफ्ट जितने भी छोटी छोटी कंपनी स्टार्टअप होती है उनके एकदम से खरीद लेती है, और सेम अमेजोन में कोई अच्छा सेलर कोई कर रहा हो काम, तो वो क्या करती है, उसको सारी कंपनी के सारा पूरा ही एक्वायर कर लेती है, इतने पैसे ही दे देती है ये, ताकि वो कंपनी फ्यूचर में उसका कंपटीशन ना दे पाए। सिर्फ एक यही रीजन है माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी का कि आज तक कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही नाम चलता है, और एक दूसरा मैक जो ओएस है, दो ही नाम है बिल्डअप, तीसरा नाम मतलब आपने देखा ही नहीं होगा, आसपास है लेकिन देखा ही नहीं होगा। वो छोटी कंपनियों क्या कर लेती है, फट से एक्वायर कर लेती है। और जियो ने भी कई काफी सारी कंपनी को खरीद लिया अपने, एक्वायर कर लिया ताकि वो अपने सर्विस को बेहतर बना पाए। चलिए खैर, ये तो हमारी जनरल नॉलेज की बातें थी। तो सर जब अब ये कंपनी ने जब इसको खरीद लिया ना, तो इसको हम जो कंपनी खरीद रहा है इस कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग। ये कंपनी हो गया होल्डिंग कंपनी, ये नाम ना वैसे ही रख दिया गया है कि भाई तू होल्डिंग कंपनी कहलाएगा, और ये कंपनी जो बिक गया है इसको बोल दिया गया तू अब ना सब्सिडरी कंपनी होगा, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है ना। टू क्या होगा, सब्सिडरी, यानी रिलायंस लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, और जो हमारा डेन है क्या है, सब्सिडरी है। हम
जब कभी भी किसी का 51% स्टेक को खरीद लेते हैं तो हमारे पास एक पावर आ जाता है कि हम दोनों की बैलेंस शीट को मिला सकते हैं। हम दोनों की बैलेंस शीट को मिलाएंगे, दोनों की जब बैलेंस शीट को हम मिलाएंगे तो उसको बोला जाता है कॉन्सोडोलेट करना। और कॉन्सोडोलेट किसका करेंगे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सोडोलेट, हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी करेंगे कॉन्सोडोलेट, हम कैश फ्लो का भी करते हैं कॉन्सोडोलेट, हम बैलेंस शीट का भी करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में बस छोटा सा टॉपिक है जो कि बैलेंस शीट को कॉन्सोडोलेट करना बताया गया और थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया। अब होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी के 51% मेजोरिटी स्टेक अपने पास रख लेगा। लेकिन इसका ना चैन भी चलता है। चैन सर, चैन का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि डेन ने भी एक कंपनी का खरीद लिया। अब एक कंपनी आपने सुना हो सिटी केबल के नाम से है ना, सिटी केबल, और वो भी इंटरनेट प्रोवाइड करने का मैंने सुना था कि काम कर रही है सिटी के नाम से। अब सिटी कंपनी का जो भी था इसका मान लेते हैं 51%, 51% किसने खरीद लिया साहब? इसका 51% खरीद लिया है हमारे किसने? इसका 51% खरीद लिया है डेन ने। तो अब डेन और सिटी कंपनी के बीच का रिलेशन अगर मैं बताऊं तो आप बता सकते हो क्या डेन होल्डिंग कंपनी, सिटी कंपनी और डेन के बीच का ही रिलेशन बताना? तो सिटी कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, बताइए। सिर्फ इन दोनों के बीच में रिश्ते की बात करेंगे, इसके बीच के रिश्ते की बात नहीं करेंगे हम। डेन लिमिटेड ने क्या करा, सिटी कंपनी को खरीद लिया, तो आप मुझे बताइए सिटी कंपनी को क्या नाम देंगे? जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी बताएं सर सिटी कंपनी को क्या नाम देंगे? तो बोलेंगे सर सिटी कंपनी सब्सिडरी है और डेन लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। यानी ये रिलेशन ऐसे बनता जाएगा आगे। लेकिन अल्टीमेटली आप ध्यान दीजिएगा, जब सिटी कंपनी को इसने होल्ड किया और हमने इसको होल्ड कर लिया तो अल्टीमेटली देखा जाए तो रिलायंस लिमिटेड के दो सब्सिडरी हो गए। कितने सब्सिडरी हो गए? एक डेन भी इसका सब्सिडरी माना जाएगा, यानी ये डेन का भी होल्डिंग है, और एक सिटी भी इसका सब्सिडरी माना जाएगा। सिंपल सी बात है ना, आपके एक पर्सन है जो कि बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है, एक बड़ा पर्सन आ गया वो इसी को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो जिसको ये कंट्रोल कर रहा है तो वो तो उसके कंट्रोल में आ ही जाएगा। तो ऐसे भी हमारा सब्सिडरी कंपनी, यानी जितने भी कंपनी एक्वायर करता जाएगा होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बनता जाएगा। ये है थ्योरेटिकल पार्ट, कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा और किसी क्वेश्चंस में आपको लगेगा भी नहीं कि सर ये जो बता रहे हैं ये बेसिक चीजें हैं ये कहीं इन्वॉल्व होगा, पहले मैं बता दूं। ठीक है, नहीं नाम तो डेनी रहेगा, नाम सिटी रहेगा, बस होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो जाएगा। एमलगमेशन में क्या होता था, कंपनी का साहब नाम ही बदल जाता था। जो हम चला रहे हैं चैप्टर एमलगमेशन में, कंपनी बदल जाती थी। यहाँ पे कंपनी नहीं बदलेगा भाई, अपना अपना काम करो, हमने इसका मेजोरिटी स्टेक खरीद लिया है। ठीक है, सेम अगर देखा जाए तो एक सबसे पहला पहला रूल है कि अगर आपको होल्डिंग कंपनी साहब बनना है, अगर आपको होल्डिंग कंपनी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाली कंपनी का कम से कम 50% से ज्यादा स्टेक को खरीदना पड़ेगा। सर स्टेक का मतलब क्या है? सर शेयर होल्डर फंड। दूसरा, अगर आपकी कंपनी जैसे मान लेते हैं, दूसरा एक मान लेते हैं पी क्यू आर लिमिटेड है, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है, एक पी क्यू आर लिमिटेड है और एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है। सर पी क्यू आर लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड, पी क्यू आर लिमिटेड के अंदर हर कंपनी के अंदर डायरेक्टर होते हैं, है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो उसके फीचर्स का पार्ट होता है कि इसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम एक फीमेल मेल इस तरीके से, जैसे कि मिनिमम 2 मेंबर तो डायरेक्टर होता है। सेम एक्स वाई जेड लिमिटेड है तो इसके पास भी डायरेक्टर होगा। इस डायरेक्टर को एक्स वाई जेड एक नई कंपनी है, अब नई कंपनी इनको समझ ही नहीं आ रहा डायरेक्टर रखना कैसे है, और पी क्यू आर एक पुरानी कंपनी है तो पी क्यू आर बड़ा एक्सपर्ट है कि बहुत पुराने साल एक्सपीरियंस है, तो इसने क्या करा है? इस कंपनी के सारे डायरेक्टर का इसने अपॉइंटमेंट करवा दिया। किसने करवा दिया? पी क्यू आर लिमिटेड ने। यानी इसके कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है ये इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है। तब भी ये इन दोनों का जो रिश्ता बन जाएगा, इन दोनों का जो रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा होल्डिंग और किसका, सब्सिडरी का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको 51% स्टेक ही लेना है। अगर आपने उसका मेजोरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट करवा दिया और मेजोरिटी डायरेक्टर आपने वहां अपॉइंटमेंट करवाया है तो भी आप होल्डिंग माने जाओगे। दूसरा,
अगर आप इस कंपनी के मेजोरिटी डिसीजन खुद ले रहे हो और वो मान रही है कि हाँ भैया वो जो बोल रहा है ठीक कर रहा है, तब भी ये होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। तो होल्डिंग कंपनी तीन तरीके से माना जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। होल्डिंग कंपनी बेसिकली तीन तरीके से हो सकता है। सर तीन तरीके कौन कौन से होल्डिंग कंपनी के हो सकते हैं, देख लीजिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभी करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और इसके अंदर 13 ही नहीं चलता, इसके ऊपर एक और कंपनी एक और आ जाता है हमारा, चलिए इसको बाद में देख लेंगे, इंडियन एएस भी आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 13 के हिसाब से होल्डिंग कंपनी क्या है, इज अ कंपनी दैट कंट्रोल ओवर द कंपनी, वो कंपनी है जो किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, रेफर टू इस सब्सिडरी कॉन्स्टेंट। पहला कहता है अपॉइंट रिमूव मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर हम उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो मैं ही सारा काम कर रहा हूं तो वो मैं होल्डिंग कंपनी बन जाऊंगा। कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, उसके सारे पॉलिसीज वगैरह को मैं ही फ्रेम कर रहा हूं तो मैं होल्डिंग हूं। लास्ट होल्ड मोर देन हाफ वोटिंग सब्सिडरी कंपनी, वोटिंग का मतलब क्या है, उसके शेयर्स ले लो तो वोटिंग पावर वैसे ही आ जाएगी, तो जैसे ही आपके पास उससे ज्यादा आएगा तो आप क्या मानने जाओगे, आप होल्डिंग हो गए। चलिए सर, सर होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, हमें तक अभी तक ये क्लियर कर दें कि हम सीखेंगे क्या इस चैप्टर में। हम ये सीखेंगे हमें दो कंपनी गिवन होगा, एक होल्डिंग कंपनी होगा एक सब्सिडरी कंपनी होगा, और उन दोनों के बैलेंस शीट को हमें मर्ज करना होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा आपको कि किस तरीके से होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। और मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, पहले पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट फॉर्मेट के अंदर आपके सामने एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक ऐसा ही बना लेते हैं एग्जाम्पल फटाफट से। एक बैलेंस शीट है और मैं होल्डिंग को ना एच लिमिटेड के नाम से बोल देता हूं ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो कि एच लिमिटेड मतलब H4 होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जामिनर भी कई बार यही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। ठीक है, एक मैं आपके सामने बैलेंस शीट में बनाने जा रहा हूं किसका, एच लिमिटेड का, और बड़ा आसान चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में चॉइस में यही रहेगा और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल, इसमें से प्योरली प्रैक्टिकल, कोई थ्योरी का चांस नहीं। इधर लास्ट यूनिट है, अभी करा रहा हूं, आपको याद रहेगा एग्जाम तक, रेगुलर क्लास लेके खत्म करते हैं। और एक एस लिमिटेड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ एसेट्स लिखने जा रहा हूं, जैसे बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, कुछ एक एसेट्स लिख रहा हूं, और यहां पे लिख लेता हूं मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,000 शेयर, 100 रुपीज ईच, दैट इज कितने हो जाएंगे, 1,000 शेयर 100 रुपीज ईच, 1,00,000 रुपए हो गया, ठीक है। सर बिल्डिंग 50,000, सर स्टॉक 20,000, सर कैश जो है वो है मान लेते हैं 50,000, ठीक है, और हम क्रेडिटर रख देते हैं इधर 50,000। अब सेम चीजें मैं यहां भी रख रहा हूं, सर ये है हमारा 20,000, ये हमारा 30,000, ये हमारा 50,000। मैं इस कंपनी को थोड़ा कमजोर कंपनी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 100 ईच, 40,000, और यहां क्रेडिटर है, क्रेडिटर है सपोज करो 60,000। ये तो बैलेंस शीट टैली हो गया है ना, कितने का बैलेंस शीट हो गया, ये 1,00,000 और 1,00,000, यहां पे हमारा आ जाता है 1,50,000, 1,50,000। एक लाइन लिखने जा रहा हूं, मैंने मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन इक्विटी शेयर, कौन सी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड के, दैट इज 40,000। कितना टोटल हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है टोटल में बताइए, ये 1,60,000 आ गया, कितना होना चाहिए था,
ये आ गया 1,60 और 1,50 होना चाहिए ना, यही बोल रहे हो ना? 70, 20, 60, ठीक, इसे कर देते हैं हम 60, ठीक है। आपके सामने दो बैलेंस शीट बना लिए और ये मैंने आपके सामने ही बनाया जो कि आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब हमें मतलब समझना है इसका, सर इसका मतलब क्या है, यानी किसका मतलब की बात कर रहे हैं हम? इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि जो एच लिमिटेड है इसने कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं दूसरी कंपनी के। एच लिमिटेड ने कितने शेयर खरीद लिए दूसरी कंपनी के? कुछ शेयर्स खरीद लिए। अब किस कंपनी के खरीदे हैं इसने? एस लिमिटेड के। और एस लिमिटेड ये है और एस लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं? 40,000। और इसने कितने खरीद लिए? 40,000। इससे पता चलता है कि मैंने तो उसके पूरे ही शेयर खरीद लिए, मैंने उस कंपनी के सारे ही शेयर खरीद लिए, फुल शेयर। इसे बोलते हैं होली सब्सिडरी या होली होल्डिंग। मतलब जब मैंने सारा का सारा शेयर खरीद लिया तो ये कंपनी तो सब्सिडरी कंपनी बन गई और मैं बन गया होल्डिंग, और ये मेरी ही कंपनी एक तरीके से देखी जाए। अब हमें इन दोनों बैलेंस शीट को मिलाना है। जब दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेम अमाउंट डेबिट में हो और सेम अमाउंट क्रेडिट में हो, वो कैंसिल आउट हो, तो बैलेंस शीट में कहीं आएगा ही नहीं। जैसे ये अमाउंट डेबिट है और ये अमाउंट क्या है हमारा? क्रेडिट है। और क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूं इसके, तो दोनों अमाउंट सेम है तो नई बैलेंस शीट आएगी, तो ना तो नई बैलेंस शीट में ये वाला पॉइंट आने वाला है और ना ही नई वाली बैलेंस शीट में ये वाला पॉइंट आएगा, बाकी सब आ जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं, बना के एक बार देखते हैं नई बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। और हमें एग्जाम के अंदर यही करके आना है बस, आप देखिए कि कितना आसान है। बिल्कुल सिर्फ बैलेंस शीट ही आता है इसमें, और कुछ नहीं आता इसमें, P&L वगैरह नहीं आता, जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट आपसे बोला जाएगा बनाने को, या फिर वर्किंग नोट बोल देगा बना दो, वही काफी है आपके लिए। तो सर मैंने सारे के सारे एसेट्स ले लिए, और जो सारे एसेट्स लिए हैं मैंने, अगर हम देखें ध्यान से, तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि बिल्डिंग पहले इसका कितना था? 50, और इसका कितना है? 20। हम दोनों को ऐड कर देंगे यानी 70। सेम ऐसे कहानी, स्टॉक का रहेगा 20 है और 30 है, तो स्टॉक कितना हो जाएगा? 50। कैश 50 है और कैश 50 है, कैश कितना हो गया? 1,00,000। अब देखा जाए तो ये सारी चीजें ले लिया, ये वाला हमने अभी इसके अंदर मर्ज नहीं किया है, और इसे हमें मर्ज भी नहीं करना है क्योंकि सेम अमाउंट क्रेडिट और डेबिट इसी का कोई रिलेशन है। मतलब अगर किसी का कनेक्शन, अगर डेबिट डेबिट से कनेक्शन होता तो ऐड हो जाएगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट से कनेक्शन होने का मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर अब आ जाते हैं लाइबिलिटी में। अब लाइबिलिटी के अंदर इसका तो इक्विटी शेयर आ जाएगा सर, इक्विटी शेयर कितने का है? 1,00,000 का। सर क्रेडिटर की बात करते हैं, क्रेडिटर इसका भी और इसका भी, 60 और 60, 1,20, 1,20, और बाकी ये वाला क्या हो गया इन दोनों से? जो ये वाला पॉइंट है आपस में कैंसिल आउट हो गया। लो जी मेरा बैलेंस शीट बनके तैयार हो गया, बस आपको इतना ही काम करना होता है। ये बन गया हमारा 2,20,000 और ये भी क्या आ गया? 2,00,000। तो क्या ये वाली बैलेंस शीट को हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है? ये वाला जो बैलेंस शीट है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। मैं लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह नहीं लिख रहा, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको आता है। तो इस बैलेंस शीट को क्या नाम देंगे हम? और हमें एग्जाम में यही बनाना पड़ेगा, हमें एग्जाम में दो बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। पहला केस समझ में आया आपको? पहला केस समझ में आया, सिंपल है। अब दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, इसी के अंदर मैं ट्राई करूंगा और समझाने के लिए। पहला केस में जब मैंने फुल का फुल खरीद लिया, फुल शेयर खरीद लिया और सेम वैल्यू पे खरीदा, लेकिन सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना, मैंने इसके शेयर्स को जब खरीदने गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जब मैं इसके शेयर्स को खरीदने गया तो दैट इज 50,000 रुपये में मैंने खरीदे इसके शेयर्स को। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैंने सामने वाली कंपनी के शेयर्स को महंगे में खरीद रखा, लेकिन सामने वाली कंपनी के शेयर्स कितने का है? 40 का ही है।
तो अब ये आपस में कैंसिल आउट तो हो सकते हैं, लेकिन ओनली 40,000। तो सीधी सी बात है, आपने 40,000 का सामान 50 में खरीद लिया, तो जब कभी भी हम किसी कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट अपनी इच्छा से दे देते हैं, तो वो माना जाता है हमारा क्या, गुडविल। वो क्या माना जाता है, गुडविल। यही सीखा है हमने अभी तक, तो उसे क्या मानेंगे, गुडविल। तो अब दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि एक और एंट्री यहां आ जाएगा क्या सर, हमारा गुडविल, और गुडविल कितने का आ जाएगा हमारा, 10,000 का। बट सर लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड में क्या रहा, हमने 50, तो लाइबिलिटी साइड में देखा जाए, जब मैंने यहाँ 50 लिखा तो डेफिनेटली आप भी को भी पता है कि ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। जब हम 50 बनाएंगे, 60 की जगह ये क्या हो जाएगा, 70 हो गया होगा। ये मैं नई बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं कर रहा मैं। ये 170 रहा होगा और ये भी 170 रहे हो जाएगा। अब बन गई बैलेंस शीट। अब दोनों को जब मर्जिंग पे जाएंगे, तो भैया ये आपस में कैंसिल आउट तो हो गया, और एक क्रेडिटर के अंदर बदलाव आ जाएगा, क्योंकि नई बैलेंस शीट के क्रेडिटर में क्या था, नई बैलेंस शीट के क्रेडिटर में हमारा 10 बढ़ गया, तो ये हो गया कितना, 30। अब देखो कितना आ गया आंसर, 2 30। अब समझिएगा बस क्या करना चाह रहा हूं, समझे भाई, पॉसिबल है सर, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पे, तीसरा पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि मैंने सामने वाली कंपनी के शेयर्स को पूरे 50 में ना खरीद के मैं तीसरी बैलेंस शीट बना देता हूं। मैंने कहा ये सर 50,000 है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगा वो 1,50 आएगा। नई बैलेंस शीट बना रहा हूं और इस वैल्यू को हम कर देते हैं 30,000। तो अगेन ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी 1,50 आ गया। तो देखा जाए तो हम अगर चेक करेंगे इसे डिटेल में, तो क्या मिलेगा हमें कि सामने वाली कंपनी के सारे शेयर्स हैं, ये सारे शेयर्स मैं यहां पे अजम्पशन लेके चल रहा हूं, और मैं बता रहा हूं आपको सारे शेयर्स हैं, कि 30,000 में ये 40,000 का पूरा कंपनी खरीद के बैठा है। तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी देखो तो क्रेडिट में बच रहा है बैलेंस। तो जो क्या क्रेडिट में बैलेंस बचेगा, जब किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसको मैच किससे कर देते हैं सर, कैपिटल रिजर्व में, जो कि हमारा है कितने, 10,000। तो आप देखोगे एमलगमेशन से कुछ कुछ मिलता जुलता ही लग रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए एमलगमेशन पहले जिनको आता है या रिकंस्ट्रक्शन आता है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है होल्डिंग। तो यानी यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, यानी सवाल ये उठता है सर कि हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी नहीं आएगा, नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने महंगा खरीदा हो तो क्या निकल के आएगा, गुडविल, और अगर हमने सस्ता खरीद लिया हो तो कैपिटल रिजर्व। चलिए इस बेस पे हम ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक पुरानी बैलेंस शीट है जिस बेसिस पे, सिर्फ ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है इसलिए पुरानी बैलेंस शीट, बाकी एग्जाम में आपको नई वाली बैलेंस शीट मिलने वाली है, ठीक है। चलिए सर, ये है हमारा। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की डिमांड कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, प्रिपेयर कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट, तो हमें हर बार यही बनाना है, कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट, ठीक है। यानी कॉन्सोलिडेट का मतलब भैया दोनों बैलेंस शीट को जोड़ दीजिए, और मैं अभी आपके सामने पुरानी ही बैलेंस शीट लेके चल रहा हूं, इसलिए ताकि थोड़ा सा आपका ना अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाए कि हो क्या रहा है। बाकी नई बैलेंस शीट में फिर ट्रांसफर करना बड़ी बात नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कहता है कि इसके कितने शेयर है, एस लिमिटेड सब्सिडरी है। कैसे पता चला सब्सिडरी, क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आप एच लिमिटेड में आएंगे तो कहता है इसने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं 50,000 शेयर एट पार, और ये यानी 5H लिमिटेड जो है उसने 5 लाख रुपए के शेयर्स कहीं खरीदे हुए हैं, और ध्यान से देखो तो कहां खरीदे हुए हैं, और एस लिमिटेड का भी शेयर्स खुद का कितने का है, 5 लाख का। तो यानी ये कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा है पूरा। अब हमें कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले अगर मैं शेयर कैपिटल लिख लूं यहां पे, तो शेयर कैपिटल दोनों नहीं जुड़ेगा, ये तो आपस में क्या हो गए, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ एक इसका अकेला आ जाएगा 10 लाख। अदर लाइबिलिटी दोनों का जुड़ जाएगा, अदर लाइबिलिटी दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज 240,
अब एसेट्स में आ जाते हैं, सन्ड्री एसेट्स ऐड हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स साहब ऐड हो जाएगा 7 और 5 12,40,000। इसके बाद देखा जाए तो और तो कुछ है नहीं। अब टोटलिंग जब आप करेंगे दोनों टोटल क्या हो गया, लो जी बना लिया आपने कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट। बस नए वाले फॉर्मेट के अंदर बनाने में बस कुछ दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात आप। एक और सवाल देखिए, अब एक और सवाल करने से पहले, इस सवाल को करने से पहले मैं सोच रहा हूं एक कॉन्सेप्ट करा दूं, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अब इंडिया कंट्री के अंदर, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो आज के टाइम बहुत बड़ा भयानक एक मुद्दा चल रहा है सर, एक मुद्दा चल रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर मुद्दा चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या फिर आपका क्या रहेगा नहीं करेगा, आप सभी को पता है कि ये मुद्दा चल रहा है। मेरा उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक धर्म वही हो गया, जैन हो गया, चाहे सिख हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया, चाहे हिंदू हो गया, सभी धर्म के लोग हैं। अगर हम देखा जाए, हम सबसे पहले मुस्लिम की बात करते हैं, तो मुस्लिम के लोग की अगर मैं बताऊं तो वो मुस्लिम की जो आबादी है, और एक है हिंदू, एक है हिंदू, तो नॉर्मली देखा जाता है कि इस पूरे भारत के अंदर जो पूरा है इसके अंदर हिंदू एज पर कंपेरेटिव मुस्लिम ज्यादा है। पाकिस्तान में इसका उल्टा है, मुस्लिम ज्यादा है हिंदू, वो देश देश के ऊपर जो बंटवारा हुआ था वो उनका है। मेरा इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, मुझे समझाना चाहता हूं, जो मुस्लिम है जो बहुत कम क्वांटिटी में है यहां पे, बहुत कम क्वांटिटी में, उसको एक शब्द से बुलाया जाता है। क्या शब्द बोला जाता है उसको, आप बताइए। हिंदू बहुत ज्यादा है, मुस्लिम बहुत कम है, तो बोला जाता है कि मुस्लिम को दबाया जा रहा है क्योंकि ये एक माइनॉरिटी है। सुना होगा आपने, माइनॉरिटी मतलब तादाद में बड़े कम है। जो लोगों का मानना है, लोगों का कहना है, मेरा ऐसा नहीं है कि ये चीजें हो रही है। तो मेरा कंसेप्ट यह है कि मैं यहां पे एक शब्द आपको बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी का मतलब क्या है, माइनॉरिटी का मतलब है जहां पे मेजोरिटी स्टेक होल्डर ना होके आपकी तादाद कम हो, आप कम हो, उसे क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी। ऐसे ही हमारे बैलेंस शीट के अंदर भी एक कंसेप्ट आ जाता है कि मान लिया जाए अगर मैंने किसी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए, अगर मैंने किसी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए, तो जो 49% शेयर होल्डर है वो अपने आप में ज्यादा से कम हो गए। तो जो 49% शेयर है उसको हम एक नाम दे देंगे, दैट इज माइनॉरिटी। समझ में आई बात आपको। तो माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे ग्रुप में से कुछ चुनिंदा लोगों की या कुछ चुनिंदा की संख्या कम हो, तो उसे क्या नाम देते हैं, माइनॉरिटी नाम देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूं कि मान लेते हैं कि एच लिमिटेड के पास एच लिमिटेड और एक एस लिमिटेड है। अगर मैं बोलूं एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो मान लेते हैं 5 लाख, और अगर एस लिमिटेड ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इस कंपनी के सॉरी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, कितने शेयर खरीदे मुझे बताइएगा। नंबर वन, मैंने इसके खरीद लिए 50,000 शेयर, इसने कितने शेयर खरीदे, 50,000। मुझे जवाब दीजिए, क्या ये होल्डिंग कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसके पास कितने शेयर थे, 5 लाख रुपए के, इसने 50,000 रुपए के शेयर इसके ले लिए, तो क्या इसे होल्डिंग कंपनी बोलेंगे? नहीं सर, नहीं, इसे होल्डिंग कंपनी नहीं बोलेंगे। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब ही यही था, पीछे देखा था कितना आपको स्टेक लेना पड़ेगा, 51%। चलो अगर मैं बोलता हूं कि इसने इसके अगर मान लिया जाए 2.5 लाख शेयर्स भी अगर मैं बोलूं इसने खरीद लिए, तो क्या ये होल्डिंग कंपनी होगा? तो भी नहीं होगा, बराबरी हो गई भाई साहब। अगर मैंने इसके मान लिया जाए थोड़े से शेयर्स ज्यादा खरीद लिए, तीसरा केस अगर मैं लूं, मान लेते हैं कि हमने इसके 3 लाख शेयर्स खरीद लिए, इसका मतलब सर ये जो है ये 60% शेयर खरीद चुका है, यानी ये इक्वल टू कितने परसेंट के बराबर है,
60%, तो मैंने इस कंपनी के 60% शेयर खरीद लिए हैं। अब देखा जाए तो इस शेयर्स के दो टुकड़े हो गए, एक मेजोरिटी स्टेक 3 लाख इसके पास चले गया और बाकी का 2 लाख इधर ही अकेला पड़ा हुआ है। समझ में आई बात आपको? 3 लाख इधर चले गए, होल्डिंग के पास चले गए और 2 लाख इधर ही पड़ा हुआ है। तो ये मेजोरिटी स्टेक होगा और इसे माइनॉरिटी स्टेक बोलेंगे, माइनॉरिटी स्टेक बोलेंगे, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे हम? माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी स्टेक होगा यानी उसे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से बोलेंगे, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, उसे बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है? तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो नई बैलेंस शीट के अंदर देखा जाए तो ये जो 3 लाख के शेयर इसने खरीदा ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, लेकिन नई बैलेंस शीट के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कैंसिल नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो खरीदा ही नहीं हमने, तो ये अलग से 2 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड में शो हो जाए। समझे बात आप? ठीक है, इसी के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा हमारे पास एक सवाल है उसको देख लेते हैं। सर क्या कहता है सवाल में? एक एच लिमिटेड कंपनी है, एक एस लिमिटेड कंपनी है और इन दोनों के हमें एसेट्स और लाइबिलिटी गिवन है। कहता है कि एच लिमिटेड जो था, इसके इन्वेस्टमेंट को अगर आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो कहता है कि इसने 40,000 शेयर एस लिमिटेड के खरीद लिए। और अगर आप ध्यान से देखो तो एस लिमिटेड का शेयर था 5 लाख, तो इसने 4 लाख के खरीदे। इसने कितने के खरीद लिए हैं? 4 लाख का, ठीक है ना? इसने कितने खरीद लिया? नहीं जी, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, अभी देखिएगा, ठीक है? एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, आप देखिए बैलेंस शीट। सर कंपनी के ऑथराइज शेयर्स 5 लाख, 5 लाख% शेयर लेके होल्डिंग कंपनी बनाते हैं। इशूड शेयर्स का होता है, ऑथराइज का नहीं, इशूड का होता है, ठीक है ना? हम करते हैं इशूड का, ऑथराइज का नहीं होता, हमेशा इशूड का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इशूड का ही होता है, ऑथराइज का कोई रोल नहीं होता, ठीक है? चलिए सर, अब यहां पे मैंने बनाया है एक कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट आपके लिए। अब कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले सारे एसेट्स को जोड़ लिया जाए। अब एसेट्स को जोड़ते हैं तो यहां पे सन्ड्री एसेट्स है, और दैट इज सन्ड्री एसेट्स होल्डिंग के भी मेरे होंगे और सब्सिडरी के भी मेरे होंगे। तो 8 लाख प्लस में 5,40,000, दैट इज 13,40,000। आज के जितने भी सवाल है मैं सारे ओल्ड पैटर्न के बैलेंस शीट पे करूंगा, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। अगली क्लास से मैं सारे सवाल नए पैटर्न पे करने लग जाऊंगा, ठीक है ना? तो उसमें आप परेशान नहीं हो। एक बच्चा पूछ रहा सर इसे क्या शेड्यूल 3 से नहीं करेंगे? करना है, कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियरिटी हो जाए तब तो हम कैसे भी कर सकते हैं। और कोई एसेट्स तो है नहीं हमारा। अब शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में सिर्फ हम अपना शेयर कैपिटल लेंगे, दैट इज हमारा शेयर कैपिटल है 10 लाख। और यहां पे ध्यान से देखो तो हमारा जो टोटल शेयर था वो था 5 लाख का, यानी मैं सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूं। 5 लाख में से तो 4 लाख का शेयर तो कौन ले गया? हमारा होल्डिंग कंपनी ले गया, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो 1 लाख का शेयर बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है? इसे क्या बोलेंगे हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो दूसरी कंपनी का शेयर्स कैपिटल नहीं लेंगे, दूसरी कंपनी को किस नाम से ले लेंगे हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और दैट इज हमारा 1 लाख आ जाएगा। लाइबिलिटी की बात करें तो अदर लाइबिलिटी को भी जोड़ दिया जाएगा, दैट इज 2,40,000। 2,40,000 टोटल कर लेंगे, और को तो कुछ है नहीं, दोनों साइड हमारा 13 लाख। ये हो गया हमारा कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट। सर इसमें एक नया पॉइंट सीखा आपने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, एक न्यू पॉइंट सीख लिया माइनॉरिटी। बताइए ये समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ये, कंसोलिडेशन की बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा टफ माना जाता है लेकिन है नहीं। आप अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट, अभी तक मेरे हिसाब से बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इसी में 2-3 एडजस्टमेंट जुड़ जाएंगे और ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। अभी तक सभी को क्लियर है? दरअसल इस चैप्टर का एक जो
हाँ बिल्कुल, न्यू बैलेंस शीट वाले भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट में है ही क्या, नई बैलेंस शीट में बनाने लायक कुछ बड़ा तो है नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस चैप्टर को मुश्किल के पीछे कारण है, मतलब जो बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर मुश्किल है, उसके पीछे एक कारण है। ये चैप्टर ना हमारा जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है, चाहे CA हो, चाहे आपका CS हो, चाहे आपका CMA हो, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट होता है, मेन चैप्टर होता है, वहां पे भी इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, 16 का पूछा जाता है उसमें से। और वहां पे CA फाइनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े मतलब सारी चीजें पूछ ली जाती है। तो जो CA फाइनल के स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम बच्चों का मैंने नजरिया देखा है कि ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो वहां से एक परसेप्शन डेवलप होता है कि भाई CA फाइनल वाले बच्चों से भी नहीं हो रहा, तो ये चैप्टर वाकई में मुश्किल है। लेकिन बीकॉम वाले बच्चों में एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जो कि मुश्किल की कोई बात ही नहीं है। तो आप ये समझोगे भैया हमारा पूरा डिटेल नहीं है ये चैप्टर, एक छोटा सा क्या है उसका पार्ट है। जैसे अभी आप एमलगमेशन कर रहे हो, आपको याद होगा आपने 12वीं क्लास में भी एमलगमेशन कर दिया था, अदर देन कैश के अंदर भी तो ऐसे ही एंट्री करा था आपने। मैंने कहा था ये चैप्टर डिटेल में आएगा, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वही एमलगमेशन अब आ गया, तो वो नाम सुन सुन के ना कई बार चीजें मुश्किल बन जाती है, तो वो कहानी है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। तो सर यहां तक के चैप्टर में अगर हम बात करें तो क्या था सर, दोनों कंपनी में से एक तो फुल्ली कंट्रोल हो सकता है, उसके अंदर भी अगर ज्यादा महंगा शेयर ले लिया तो गुडविल, अगर सस्ते में शेयर खरीद लिया तो कैपिटल रिजर्व, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हो सकता है हमारा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब मुद्दे की बात है कि जब हम बात करेंगे ना, एक मैं अपना एक एग्जाम्पल खुद बना लेता हूं, मैं एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो हमें। चलिए ये एसेट्स हैं और ये क्या है, लाइबिलिटी अमाउंट, और ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। इधर लिखा हमने फिक्स एसेट्स, मान लेते हैं 5 लाख, और मैंने लिखा कैश, मान लो 7 लाख। इधर लिखा शेयर कैपिटल, मान लेते हैं 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, मान लो 2 लाख। एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर मान लेते हैं 4 लाख, ठीक है। मैं दोनों बैलेंस शीट बनाऊंगा अभी। मान लिया जाए ये है सब्सिडरी का, और ये किसका मान रहे हैं हम, होल्डिंग का, और ये है कॉन्सोर्टेड, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, थोड़े से इसमें चेंजेस करेंगे, डिजिट में नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 2 लाख। 4 1 5 2 7, और 5 और 3 8, इसको 3 लाख रुपए कर देते हैं, ठीक है, 3 लाख कर देते हैं। यहां पे मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, और मैं यहां पे 60% शेयर लेके चल रहा हूं इसका, दैट इज 2,40। कितने लेके चल रहा हूं मैं, 2,40। थोड़ा बहुत हमें अमाउंट को ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, 7 5 12 2 14 हजार, 14 लाख, 40 हजार इसका टोटल, 8 2 10 4 14, क्यों ना हम इसे 4 40 कर दो, ठीक है। ये भी हमारा टोटल हो गया 14,40,000, और ये भी हमारा टोटल हो गया 5 और 3 8 लाख, 8 लाख। अब ध्यान रखिएगा,
अगर मैं किसी भी कंपनी के अगर मैं शेयर्स को खरीद लूंगा ना, अगर किसी भी कंपनी के मैं शेयर्स को खरीदूंगा इसके शेयर्स को, तो मेरा ऑटोमेटिकली अधिकार इस पे भी आ जाएगा, क्योंकि मालिक का प्रॉफिट भी उसमें पड़ा होता है। हमेशा याद रखना है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदूंगा तो उसके रिजर्व पे मेरा ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा। तो भले ही इस कंपनी ने जो 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, यानी इसके इक्विटी शेयर खरीदे हो, लेकिन इस पे भी इसका अधिकार आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे शेयर्स की बात करूँ, तो मेरी खुद की कंपनी का शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 4 लाख का। और रिजर्व एंड सरप्लस सब्सिडरी कंपनी का कितने का है? 1 लाख का। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने इसमें से कितने परसेंट स्टेक खरीद लिया इसका, मैंने इसमें से इसका स्टेक कितने परसेंट खरीदा बताओ? 60%, दैट इज 240 का मैंने स्टेक खरीद लिया। तो मैंने अभी समझाया कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम किसी का स्टेक खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका भी 60% आपके हिस्से का पार्ट बन जाएगा। इसका भी 60% अगर निकाले तो 60,000 रुपये। तो ये दोनों जो है, ये होल्डिंग कंपनी का पूरा अधिकार में आ गया। ये बाकी जो इसका बच गया, दैट इज आपका 40%, जो कि हमारा आएगा 1,60,000, और बाकी ये बच गया हमारा 40,000। इसका मतलब सर, जो ये वाला पेमेंट है और एक ये वाला पेमेंट है, ये तो सामने वाली कंपनी ने खरीदा नहीं, मतलब ये दोनों पेमेंट जो है वो चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। किसमें चला जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब जब हम कैंसिल आउट की बात करेंगे, तो आप सोचना, आपने जब उस कंपनी का 60% स्टेक खरीदा, तो आपको सामान पता है कितने का मिल गया? टोटल 3 लाख रुपए का सामान मिल गया। आपको लग रहा है कि 2,40 में से आपने 2,40 लिया, लेकिन नहीं सर, आपको ये भी मिला और आपको ये भी मिला। तो टोटल मिला के आपने देखा 2,40 में कितने का सामान खरीद लिया? 3 लाख का। यानी आपने सस्ते में कंपनी को खरीद लिया है। तो यहां पे क्या निकल के आएगा? हमारा कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा यहाँ पे? कैपिटल रिजर्व। तो मैं अब एक कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। ये कंसोलिडेट बैलेंस शीट की बात करें, तो सारे एसेट्स को एड ऑन कर देते हैं, और एसेट्स को जब एड ऑन करेंगे तो 5 लाख और 3 लाख क्या हो गया हमारा? ये 8 लाख। 7 और 5 कितने हो गए हमारे? 12 लाख हो गया। क्रेडिटर 4,40 और यहाँ पे 3,740 हो गए। और रिजर्व एंड सरप्लस में देखा जाए, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम अगर ध्यान से देखें, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा जो पार्ट है, जो हमारा वाला है, सिर्फ वही लेना है। ठीक है, ऑल्दो मैं, चलो इसके ऊपर दोनों ले लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में दो लोगों का हिस्सा बन जाए, एक बन जाएगा होल्डिंग का है, एक है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। मैं अभी समझा रहा हूँ इसको, बाकी डिटेल में करेंगे, या चलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ, रफली आइडिया। भैया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस तो कोई छेड़ ही नहीं सकता होल्डिंग का, और हमारा शेयर कैपिटल भी कोई नहीं छेड़ सकता, दैट इज हमारा 8 लाख रुपए। अब बात रह गई कि सर इसके अंदर कमी क्या रह गई, कि माइनॉरिटी वाले को इसमें ऐड ऑन करना है। तो अगर मैं माइनॉरिटी वाले को ऐड करूं, माइनॉरिटी वाले का, तो माइनॉरिटी का टोटल कितना बन जाता है हमारा? 2 लाख। माइनॉरिटी का टोटल कितना बन गया हमारा? 2 लाख। दूसरी साइड एक चीज और मिसिंग रह गई, हम अगर इसको और इसको कैंसिल आउट करें, तो 100% कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कुछ चीजें हमने सस्ती खरीद ली है। यानी सर हमने 3 लाख रुपए का सामान 2,40 में खरीद लिया है, तो 60,000 का, दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? गुडविल। और 60,000 रुपए का हमारा क्या माना जाएगा? गुडविल। अब टोटल कर लेंगे और हमारा कंसोलिडेट बैलेंस शीट तैयार। 8, 2, 10, 10 और 2, 12, 12 और 7 19,40,000। और 8 और 12, 20, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 8, 2, 10, 10 और 7, 17, 17, 2, 19,40,000। कैश कितना था हमारा? कैश 7 और 5, 12, टोटल सही था। 5, 3, 8, 4, 1, 5, 8, 5, 7, 5, 12, 2, 14, 40, 7 और 5, 12 कैश है। एफ ए कितना हो गया? 5 और 3, 8 हो गया। 12 और 8 कितने हो गया? सॉरी मैंने इधर गलत लिख दिया, क्योंकि हमने खरीदा कैसे है? सस्ते में खरीदा है ना, तो दैट इज क्या निकलेगा हमारा? कैपिटल रिजर्व, दैट इज हमारा 60,000 का। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ में आया मैंने क्या चेंज किया? समझे? तो ये 20 लाख ये भी हो गया हमारा, और 20 लाख ये भी हो गया, ये बन गया हमारा कंसोलिडेट बैलेंस शीट। पहले एक बार आप देख लीजिए इसको, समझ लीजिए, मुझसे पूछिए इसमें डाउट, फिर हम आगे एक और कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। किसी को डाउट है क्या? सर कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल दीपक, मैंने कैपिटल रिजर्व लिख दिया। किसी को डाउट है तो बताइए, जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं।
मैच कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। सीएफएस के एग्जाम क्वेश्चन करवा दीजिए। बिल्कुल कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। यस सर, 10,60,000। एकता, 10,60,000 क्या डाउट है आप मुझे बता दीजिए। नहीं, इन्होंने लिखा 10,60। आप 10,60,000 तो कहीं डिजिट ही नहीं। अगर आप 1,60,000 बोल रहे तो क्या था 1,60,000? ये अगर आप इस 1,60,000 की बात कर रहे हो तो जैसे कि 60% तो इसने ले लिया था, इधर बच गया हमारा 40% जो कि माइनॉरिटी का पार्ट माना गया। बिल्कुल, कैपिटल रिजर्व भी आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। अच्छे से को अभी देखो, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपको ये पता चलना चाहिए। देखो, हर चीज को करने का ना मेरा एक अलग तरीका है कराने का। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें, ताकि जब क्वेश्चंस हम करने जाएं एडजस्टमेंट के साथ तो हमें नई कोई चीज ना लगे और हमें पता हो ये ऐसे ऐसे होगा। बाद में अगर मैं छोटी मोटी एडजस्टमेंट डाल भी दूं, मैं बोलूं नहीं भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट को और कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में लेके चलना आगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो सिंपल सी बात है कि सर इसी का पार्ट होता है, वो आगे देख लेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप बताइए जितना मैंने ऐड लेस किया वो। सर MI में 1,60,000 में ऐड होगा। बिल्कुल, MI 1,60,000 और प्लस ये 40,000, ये भी MI का ही पार्ट माना जाएगा। तो ये किस क्या आ गया हमारा, 2,00,000 रुपए आ गया। क्लियर है? बस सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाना होता है एग्जाम के अंदर। हाँ, सारा करेंगे। पहले यहां तक देखिए जो हम कर रहे हैं, क्या इसमें कोई डाउट है आपका? क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है डाउट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैं इसी सवाल में समझा दूंगा सारी चीजें। अब हम बात करें ना तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें होती है, आपको भी पता है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बड़ी सारी चीजें आती है। इसके अंदर जनरल रिजर्व भी हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है। और आप ध्यान से देखो एक चीज बताना मुझे। अब कंपनी को जब हम उसके स्टेक को खरीदेंगे, तो अगर मैंने इस डेट पे यानी 31/3 को उसके स्टेक को खरीदा, किसी भी कंपनी के स्टेक को खरीदा 31/3 को, और उस दिन का अगर जो मुझे बैलेंस शीट दिया जाएगा, इस दिन के बैलेंस शीट में अगर मैंने लिखा शेयर कैपिटल 5,00,000 और फ्री रिजर्व लिखा मैंने, यानी जनरल रिजर्व लिख दिया मैंने 1,00,000, और अगर मान लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा 2,00,000, और इस दिन खरीद लिया किसी एस लिमिटेड ने इसको, तो आप मुझे बताओ जो इस कंपनी के यानी जो कि एच लिमिटेड ने खरीद लिया, जो एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में, मैं कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दिमाग चलाना है बस उसमें। मैं कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो इसके बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कमाया किसने होगा? एस लिमिटेड ने कमाया होगा या एच लिमिटेड ने कमाया होगा? किसने कमाया होगा? ये है हमारा, मान लेते हैं एच लिमिटेड ने खरीद लिया, तो इसके इस पैसे को कमाने में मेहनत किसकी रही होगी, एच लिमिटेड की रही होगी या एस लिमिटेड की? नहीं, खरीदा इस बात पे, मुझे ये जानना है कि भाई ये प्रॉफिट कमाया किसने है, ये कमाया किसने है? मैं मानता हूं कि इस पे इसका अधिकार आ जाएगा अगर शेयर्स खरीदेगा, लेकिन कमाया किसने है, मेरा मुद्दा ये है। तो सभी का जवाब आ गया, सर एस लिमिटेड ने कमाया होगा। बिल्कुल सही। तो एच लिमिटेड जब इस कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा तो फ्री फंड में ये वाला पैसा इसको मिल जाता है। यानी जब एच लिमिटेड सिर्फ इसके कंपनी को शेयर्स के खरीदेगा तो ये वाला हिस्सा किसको पहुंच जाता है, यानी उसके शेयर्स वाले में से हिस्सा तो पहुंचता ही पहुंचता है, और साथ के साथ उसके रिजर्व वाले में से भी हिस्सा पहुंच जाता है ना।
तो ऐसा प्रॉफिट जिसमें एच लिमिटेड की कोई मेहनत ही नहीं है, इसको बोला जाता है प्री प्रॉफिट। इसे क्या बोला जाएगा? प्री रिजर्व प्रॉफिट, ठीक है ना। प्री मतलब मेरे खरीदने से पहले ही किसी कंपनी ने पैसे को कमा लिया था, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्री का। अब प्री के केस में हमेशा याद रखना, यानी मैं अगर प्री प्रॉफिट की बात करूं या प्री रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं, प्री प्रॉफिट बोल देता हूं मैं, सिंपल वर्ड में बोल देता हूं, अगर कभी भी आपको प्री प्रॉफिट मिलता है तो इस प्रॉफिट पे दो लोगों का अधिकार होता है। सर किसका? एक तो होल्डिंग कंपनी का अधिकार होता है एच लिमिटेड का, और साथ के साथ इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? एस लिमिटेड का। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एच लिमिटेड का अधिकार जरूर होता है, लेकिन एच लिमिटेड जब कॉन्सोलिडेट करता है बैलेंस शीट को, जब कॉन्सोलिडेट करता है तो इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, शो नहीं करता, इसको नहीं करता। जैसे कि अभी पिछले वाले सवाल में, अभी आपको दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं। पिछले सवाल में देखिए कि मेरा अधिकार था इसके ऊपर, एच लिमिटेड का अधिकार क्या इसके रिजर्व एंड सरप्लस पे आ गया था ऑटोमेटिकली। क्या मैंने 60,000 रुपये अपने रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दिखाया? क्या नहीं दिखाया? वो मुद्दे की बात बाय कॉन्सिडेंस है कि सर कैपिटल रिजर्व में भी सेम अमाउंट आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी अगर सामने वाली कंपनी ने पहले ही प्रॉफिट या कोई रिजर्व कमा के रखा हुआ है, तो जब मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदूंगा तो तुम्हारे वाले प्रॉफिट का सिर्फ हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के काम आएगा, और बाकी का पार्ट जो है ना, हम अपने प्रॉफिट में तो तुम्हारे प्रॉफिट भी जोड़ेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। तो यहां पे मैंने वही बताया कि ये कभी नहीं जोड़ेगा। चलिए एक और सवाल पूछ लिया जाए, एक और सवाल पूछ लेते हैं। माइनॉरिटी लेकिन जोड़ लेगा, जो एस लिमिटेड है ना, ये शेयर्स कैपिटल भी ले जाएगा न्यू कंपनी के अंदर, और रिजर्व एंड सरप्लस भी, रिजर्व एंड सरप्लस यानी प्रॉफिट का हिस्सा भी ले जाएगा नई कंपनी में, प्रॉफिट का हिस्सा भी ले जाएगा नई कंपनी में। जैसे ही नई कंपनी में जाएगा ना, तो ये दोनों चीजें एच लिमिटेड में शो होगी, समझे बात। लेकिन ये वाला एच लिमिटेड के अंदर शो नहीं होगा, समझे। ये कौन सा प्रॉफिट था हमारा? प्री। मेरे हिसाब से प्री समझ में आया आपको क्या है। अब कहानी देखना थोड़ा सा अलग, बताइए। मैंने कहा कि कंपनी को 1/4/2031, 2031 कैसे आ गए, 2023, ये तो बहुत आगे चले गए, 1/4/2023। मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट में बना देता हूं, यहीं पे एक स्मॉल सा बैलेंस शीट बना लेते हैं, और यहां शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट है इस कंपनी का मान लेते हैं 50,000 का। प्रॉफिट कितने का इस कंपनी का? 50,000 का, समझ रहा। और ये बैलेंस शीट मैं आपको इस डेट का दे रहा हूं, या तो फिर मैं क्वेश्चंस के पॉइंट पे चले जाता हूं, मैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चला जाता हूं, मैं यहां पे ही बैलेंस शीट बनाता हूं। इस डेट की बैलेंस शीट आपको बताया जा रहा है। शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए और प्रॉफिट मान लेते हैं 60,000। प्रॉफिट कितने का दे दिया मैंने? 60,000। ये बैलेंस शीट इस डेट का दिया है मैंने, लेकिन इस कंपनी को मैंने खरीदा इस डेट पे। सर जब इस डेट पे खरीदा है आपने, लेकिन मैंने कॉन्सोलिडेट, क्योंकि कॉन्सोलिडेशन का प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता। जब हम खरीदते हैं तो फिर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते हैं, अकाउंटेंट मिलता है, सारी एंट्री करते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसको इस साल मर्ज नहीं करेंगे, खरीद लिया ठीक है, और हम इसको अगले साल करेंगे मर्ज। तो अब दिक्कत, जब अगले साल करेंगे तो हमारे डेट इस डेट पे बैलेंस शीट पड़ा हुआ है, और नीचे मैंने एक बड़ी सुंदर सी एडजस्टमेंट लिख दिया कि सर प्रॉफिट जो था ना, प्रॉफिट ऑन 1/4/2023 में हमारा 20,000 रुपये का था। यानी साहब इस डेट पे मेरा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना था? 20,000। तो साहब ऐसा क्या हुआ कि इस डेट पे प्रॉफिट 60 हो गया? कौन बताएगा? इस डेट पे मेरे प्रॉफिट जो थे वो थे 20,000, लेकिन हमने पूरे साल क्या करा है? सर पूरे साल मैंने काम किया है, मैंने क्या किया है? पूरे साल काम किया है पूरे साल, और पूरे साल काम करने के बाद अब जब बैलेंस शीट बना रहे थे तो हमें प्रॉफिट कितना दिखा बताइए? 60,000 दिखा। पहले कितना था हमारा प्रॉफिट?
तो ऐसा क्या हुआ बीच में जो कि ये 60 हो गया? तो बड़ी सीधे सा आंसर है इसका कि भाई पूरे साल में कमाया तो होगा इसने, यानी प्रॉफिट को कमाया गया, यानी अर्न किया गया प्रॉफिट को, है ना, अर्न। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, अर्न करके इसने 60 कर दिया इसको, तो अगर मैं बात करूं कि अर्न करने से पहले यानी प्री खरीदने से पहले का अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी कमाई थी इसकी, तो जवाब क्या होगा? 20,000। और खरीदने के बाद का क्या जवाब होगा? बताएगा कौन बच्चा खरीदने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया है? कोई बताएगा कि खरीदने के बाद इसने कितना प्रॉफिट कमाया है? कोई बच्चा बताएगा खरीदने के बाद कितना कमाया है? सर 40,000 कमाया है। खरीदने के बाद कितना कमाया है? 40। और बाद वाले को मैं सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं क्या? पोस्ट। बाद वाले को सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं क्या? पोस्ट। अब ये 40,000 किसने कमाया है? सर ये एच लिमिटेड ने कमाया है। 40,000 किसने कमाया है? सर ये एच लिमिटेड ने कमाया है। सर ये 40,000 एच लिमिटेड ने कमाया है, ठीक है ना। अब 40,000 एच लिमिटेड ने कमाया। अब प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या करा जाएगा, हम समझेंगे। तो पहले आपको इस वाले एग्जाम्पल में मैंने कुछ नहीं समझाया, बस इतना समझाया है कि प्री प्रॉफिट क्या होता है और पोस्ट प्रॉफिट क्या होता है, और प्री प्रॉफिट का क्या एडजस्टमेंट लगना चाहिए, हमने ये सीख लिया। अब हम पोस्ट प्रॉफिट और प्री प्रॉफिट दोनों को कंबाइन कैसे एडजस्टमेंट लगना चाहिए वो देखेंगे हम। तो होना क्या चाहिए, अगर मान लेते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल को कि हमारा प्रॉफिट टोटल कितना था बैलेंस शीट में साहब? 60,000। लेकिन 60,000 में से तो दो टुकड़े हो गए सर इसके, है ना। एक हो गया किस नाम से? प्री के नाम से। और एक किस नाम से हो गया? पोस्ट। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब वो होता है प्रॉफिट जो कि कंपनी को खरीदने के बाद अर्न किया गया हो, कंपनी को खरीदने के बाद अर्न किया गया हो। याद रहेगा। और प्री का मतलब क्या होता है? जो कंपनी को खरीदने से जो, ये याद रखिएगा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं ये, मैं इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं, कुछ चीजें लिख देता हूं ताकि याद रहे, भूल जाते हैं। जो कंपनी को खरीदने से पहले कमाया गया हो, है ना, राइट। यानी चलो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ। सर क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि प्री वाला कैसे बनता है और पोस्ट वाला कैसे बनता है? सर प्री वाले पे दो लोगों का अधिकार होगा हमेशा, अगर फुल्ली होल्डिंग कंपनी है तो एक ही का अधिकार होगा, वैसे दो लोगों का। किस किस का अधिकार होगा सर? दो लोगों का। प्री वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम, शेयर्स वाली बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रॉफिट की। तो दो लोगों का अधिकार होगा, एक होल्डिंग कंपनी का भी अधिकार ऑटोमेटिक आ जाता है और एक सब्सिडरी कंपनी का भी अधिकार ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी सर इस पे दो लोगों का अधिकार होगा, होल्डिंग का भी और सब्सिडरी का। चलिए सर उदाहरण से बता दीजिए, एग्जाम्पल से बता दीजिए। तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो कितना था? 20,000। और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में बोल दूं कि जो कंपनी ने इसको खरीदा है ना, होल्डिंग कंपनी ने जो खरीदा है उसका 80% स्टेक खरीद लिया है। आपको बताना है कि होल्डिंग कंपनी का इस 20,000 में कितना अधिकार है और सब्सिडरी कंपनी का इस पे कितना अधिकार है। सर कितने परसेंट खरीदा है? 80%। तो 20,000 का 80% दैट इज 16,000 इसका अधिकार है और 4,000 इसका अधिकार है। जो प्री वाला पार्ट होता है ना, इसको तो हम जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, मैं न्यू बैलेंस शीट भी लिख देता हूं, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर शो नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो बात। लेकिन सर जो ये वाला है ना, ये वाला प्लस हो जाएगा जाके किसमें? एमआई के अंदर, और ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी जो प्री प्रॉफिट का हमने यहां देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं सर पोस्ट वाले पे आ जाते हैं। अब कोई बच्चा बताएगा पोस्ट कितना है? वैसे हालांकि पहले बता दिया तो मैं लिख ही देता हूं सर, आपने बताया ही था। पोस्ट कितना है सर? पोस्ट है 40।
अब इस 40 पे भी दो लोगों का अधिकार होगा, एक होल्डिंग का अधिकार होगा और एक सब्सिडरी का अधिकार होगा, होल्डिंग लिमिटेड एच लिमिटेड का और एक एस लिमिटेड का अधिकार होगा। आप मुझे बताइए होल्डिंग का कितना अधिकार होगा इस वाले प्रॉफिट को, क्योंकि ये जो बाकी का प्रॉफिट है 40,000 क्या अकेले एच लिमिटेड ने कमाया है, दोनों मिलकर कमा रहे हैं? मेरा सवाल समझिएगा जो मैं पूछ रहा हूं, मैंने क्या पूछा कि जो ये 40,000 कमाए हैं, 40,000 जो कमाए हैं इसने एक्स्ट्रा, तो किसने कमाए हैं, दोनों ने मिलकर कमाए हैं या अकेला एच ने कमाया है? क्योंकि यहां पे एच ने तो सिर्फ इसका 80% भागीदारी खरीदा है, तो बाकी 20% वाले क्या बैठ के क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे या वो भी काम कर रहे होंगे? काम तो कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी है भाई तूने 80% खरीद लिया तो हम बैठ जाते हैं अब क्या करेंगे। एच बोलेगा सर मैं ही काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, सभी काम करेंगे क्योंकि सभी के एफर्ट से कंपनी आगे ग्रो करेगी। तो अगर देखा जाए तो जो आपने बताया है 40,000 की कमाई, तो 40,000 की कमाई जो है ये किसने कमाया है साहब? इसने दोनों ने मिलकर कमाया है, इसमें होल्डिंग का भी अधिकार है और सब्सिडरी का भी। सर इसमें होल्डिंग का कितना अधिकार है? वट एवर अमाउंट जो होल्डिंग का अधिकार निकालोगे तो 32,000 होल्डिंग का अधिकार है। और सर सब्सिडरी का कितना अधिकार है? सर 20%, दैट इज 8,000। तो सर क्या इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर इसी एग्जाम्पल को आगे आप बढ़ा दो तो इसका ट्रीटमेंट भी समझा दो तो बेहतर होगा। बिल्कुल समझाते हैं सर। पहले प्री वाले में मैंने क्या करा था, जो होल्डिंग कंपनी के हिस्से में प्रॉफिट आ रहा था उसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसका पार्ट ही नहीं है, वो तो सारा मिक्स करके वैल्यूएशन लगाया गया। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा खुद का प्रॉफिट कमाया गया है मेरी मेहनत से है, तो इसे न्यू वाले बैलेंस शीट में यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में टेकन किया जाएगा। सर किस नाम से टेकन किया गया? नॉर्मल प्रॉफिट और अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दो, समझ रहे हो बात? और ये वाला जो है ना ये अगेन MI के अंदर चला जाएगा क्योंकि ये माइनॉरिटी वाले का है, तो इसे कहां ले जाएंगे? माइनॉरिटी। अगर मैं बोलूं नई बैलेंस शीट में माइनॉरिटी के लिए प्रॉफिट कितना जाएगा तो जवाब होना चाहिए 8,000 और 4,000, 12,000। लेकिन नई वाली बैलेंस शीट में होल्डिंग का प्रॉफिट कितना जाएगा? सिर्फ 32,000। ये वाला पार्ट सर बैलेंस शीट में नहीं जाता, लेकिन हाँ इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। मैं अभी ये शब्द यूज नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाद में करेंगे, इसको हम मेनली कैलकुलेशन में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं सर? कैलकुलेशन। यहां तक क्या आपको फंडा समझ में आया प्री और पोस्ट का? क्या प्री और पोस्ट 50-50 नहीं है भाई? यहां पे 80-20 रखा था मैंने, यहां तक लॉजिक समझ में आया कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि भैया कंपनी खरीदने के बाद मर्ज नहीं हुई, अभी बैलेंस शीट मिले नहीं, लेकिन उसके बीच में प्रॉफिट कमा लिया गया, तो वो पोस्ट वाला माना जाएगा, उससे पहले प्री वाला माना जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? बताइए तो आगे बढ़े, एक सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर फिर। यस चलिए, देखिए आपके सामने एक सवाल। चलिए हम यहां पे अभी भी नई बैलेंस शीट, मैं आज सोच के आया हूं कि आज नई बैलेंस शीट बच्चों को दिखाना ही नहीं है और पुरानी बैलेंस शीट से सारा काम चलाएंगे और कल वाले क्लास के अंदर सब कुछ नई बैलेंस शीट से करेंगे। हाँ नए वाला आएगा क्योंकि चलो मैं, अगर आप बोलोगे तो नए वाले से मैं कर देता हूँ, इसको नए वाले से कर दिया जाए। इसमें शेयर होल्डर फंड करंट लाइबिलिटी एसेट्स कहाँ है? एसेट्स नहीं दे रखा। एच एक्वायर एस लिमिटेड योर रिजर्व सरप्लस ये रहा इसमें बस, नहीं एसेट्स तो होना चाहिए था, मिसिंग रह गया इसमें। चलो कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं, यहां सन्ड्री एसेट्स डाल देते हैं। क्योंकि जब तक एसेट्स नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं पता लगेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं पता चलेगा तो परसेंटेज नहीं पता लगेगा। मैं अपने खुद एक क्वेश्चन बना लेता हूं, ठीक है? ये भी 13 लाख होगा और ये कितना होगा? इसके अंदर हुआ ऐसा कि 70% स्टेक खरीदा हुआ है, 70% स्टेक खरीद लिया इसने, यानी जो एक मिनट इधर नहीं, इसके एसेट्स में मान लिया जाए इस कंपनी का 60% ले लेते हैं,
3 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं, 3 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए, समझ में आई बात? हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। तो नई बैलेंस शीट नहीं, पुरानी पे ही काम कर लेते हैं। सवाल में देखिए क्या कहता है कि इस कंपनी ने इसको 2017 में ही एक्वायर कर लिया, इस कंपनी के शेयर्स 2017 स्टार्टिंग में ही कर लिया, लेकिन एस लिमिटेड रिजर्व स्टूड 5000 और उस दिन इसके रिजर्व में 5000 पड़ा था और सरप्लस में 6000 पड़ा था। जबकि अब वाली हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो वो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017, अल्टीमेटली 18 होना चाहिए, ठीक है, 31 मार्च 2018। कहता है जिस दिन मैंने एक्वायर किया उस दिन इसके पास रिजर्व कितना था, 5000, और सरप्लस कितना था, लेकिन अब के बैलेंस शीट में रिजर्व कितना है और ये कितना है सरप्लस, तो ऐसा क्या हुआ होगा, फिर पैसा कमाया होगा इसने। यानी यहां पे दोनों चीजें आ गई, प्री भी और पोस्ट भी है, ठीक है। मैं यहां पे ये, क्योंकि आंसर टैली नहीं होगा हमारा, बिकॉज ऑफ मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलिए सर, मैं आपसे यहां पे क्या पूछूंगा कि कितना गुडविल आएगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, गुडविल और माइनर, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुडविल बताइए और माइनॉरिटी इंटरेस्ट या कैपिटल रिजर्व बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले शेयर्स को ले लेते हैं। तो साहब शेयर्स के दो टुकड़े कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शेयर्स के दो टुकड़े कौन कौन लेगा, किस किस के पास जाएगा बताओ, एक होल्डिंग, पहले शेयर्स को निपटा लेते हैं, और एक सब्सिडरी। बताओ होल्डिंग के पास कितना जाएगा, कितने चले गए होल्डिंग के पास, 3 लाख, और सब्सिडरी के पास दैट इज 2 लाख। अब आ जाते हैं इसके प्रॉफिट का, थोड़ा सा कर लेते हैं जो करना है हमें, प्रॉफिट क्या था। तो इसका टोटल प्रॉफिट देखा जाए ना, तो एक है यहां पे प्रॉफिट, एक है रिजर्व, एक है हमारा प्रॉफिट। एक मैं रिजर्व का करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट का मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है सर। रिजर्व का अगर पेमेंट की बात करें तो रिजर्व कितने का था सर, यहां पे रिजर्व देखा जाए आपका, तो रिजर्व हमारा बैलेंस शीट के अंदर 20,000 है। अब इस 20,000 के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपके प्री पोस्ट भी है या नहीं है, प्री पोस्ट है, क्योंकि 1 तारीख को कुछ और बाद में कुछ और, खरीदने के बाद कुछ और, तो प्री पोस्ट की बात आ गई। तो यहां पे आपने बताना है कि कितना पार्ट प्री है और कितना पार्ट पोस्ट है। मैं सिर्फ एक पार्ट लेके चल रहा हूं, दैट इज हमारा रिजर्व। तो पहले हमारा रिजर्व सवाल में ही दे रखा है कितना था, 5000, तो बाद का कितना होगा, क्लियरिटी है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर दो लोगों का अधिकार और इसके ऊपर भी दो लोगों का अधिकार, यहां पे भी होल्डिंग का अधिकार और यहां पे भी होल्डिंग का अधिकार और, समझ रहे हो। अब होल्डिंग और इसके बीच का जो परसेंटेज आप अगर निकालते हो कितने परसेंट अधिकार है, तो भैया 5 लाख में से आपने 3 लाख खरीद लिए हैं, किसमें से, 5 लाख में, और इंटू 100 करोगे तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना अधिकार उसके जमा रखा है, कितने परसेंट ले रखा है, 60%। तो अब 5000 का 60% आएगा, दैट इज 3000, और ये 15000 का 60% होगा 9000 और 6000। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा जो मैं पूछूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा यहां पर, ठीक है, क्या जवाब देंगे आप साहब, यहां पे जवाब दीजिए आप कि हम ये वाला प्रॉफिट क्या नई वाली बैलेंस शीट में जाएगा, क्या ये वाला प्रॉफिट नई बैलेंस शीट में जाएगा, यस और नो में बता दीजिए, जो मैंने कहा कि ये वाला प्रॉफिट नई बैलेंस शीट में जाएगा या नहीं जाएगा। सर होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, तो होल्डिंग और सब्सिडरी कैसे, नहीं जाएगा। यस कैपिटल रिजर्व, नहीं भाई ये कैपिटल रिजर्व का पार्ट नहीं है,
इसे हम लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ हम सिर्फ समझ रहे हैं। देखिए अभी अभी मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट के अंदर क्या उठ के जाएगा, जवाब है नहीं। अब ये वाला प्रॉफिट क्या बैलेंस शीट में जाएगा? यस। और ये वाला किस नाम से जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या पोस्ट वाले में ये वाला प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा? यस जाएगा। किस नाम से? सेम नाम से ही जुड़ जाएगा जाके। क्या ये वाला प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा? यस। किस नाम से जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। यानी देखा जाए तो ये फ्री फंड का प्रॉफिट मिल गया। तो हमने इस कंपनी को भले ही 3 लाख का पेमेंट किया है, 3 लाख का शेयर खरीदा, लेकिन इस कंपनी में हमें एक्स्ट्रा और क्या मिला है? 3,000 रुपये। ये किसकी बात थे? रिजर्व की। ऐसे ही हमें किसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? प्रॉफिट में। तो ये भी मैं करके दिखा देता हूं। सर इसके भी दो हिस्से हो जाने ना, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में भी क्या है? प्री। और तो प्री में कितना है? सवाल खुद ही कह रहे हैं 6,000। और पोस्ट में आपको निकालना पड़ेगा, बताइए पोस्ट में कितना होगा? 50,000 में से 6,000 गए। तो एक बच्चे का भी डाउट आया था, सर अगर प्री वाला ये सब माइनॉरिटी को भी बटेगा, सब्सिडरी वाले को भी मिलना है, तो कैसा होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके सारे के सारे शेयर ले ले और मेरा पूरा कब्जा है। भैया मेरा उसमें मेजोरिटी स्टेक है, मेजोरिटी स्टेक का सब चीज मैं लूंगा, और जो मेरा मेजोरिटी नहीं है भैया तू देख ले, तू अपना अलग अलग कर ले, ये रहता है। चलिए अब इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। किसके पास? ये प्री है और ये, इसके दो हिस्से हो जाएंगे। किस किस के होंगे? एक होगा होल्डिंग, एक होगा सब्सिडरी। इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, एक होगा होल्डिंग, एक होगा सब्सिडरी। तो अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो हमने कितना खरीदा था सर? 60% खरीदा था, तो इसके में से 60% मिलेगा, दैट इज 3,600। और यहां कितने जाएंगे? 2,400। इसमें से कितना जाएगा? फिर से 60% निकाल लेंगे, 44,000 का 60% 26,400। और यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे 17,400। ठीक है 17,400। अब आप मुझे बताइएगा क्या ये वाला प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा? मैं क्रॉस और टिक लगाऊंगा बस, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। आप मुझे बताइए ये वाला प्रॉफिट जाएगा क्या बैलेंस शीट में? नहीं जाएगा। क्या ये वाला प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में? किस नाम से? माइनॉरिटी। क्या ये वाला प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा? यस। किस नाम से? सेम नाम से। क्या ये वाला जाएगा हमारा? यस, माइनॉरिटी के साथ। अब हमें क्या करना है? पहले हम माइनॉरिटी को टोटल कर लेंगे, जहां जहां MI आया है वहां पे माइनॉरिटी का टोटल करके निकाल लेंगे। तो माइनॉरिटी का सब 2,00,000 रुपए तो माइनॉरिटी का था ही, और इसको प्लस मिल जाएगा किसमें? रिजर्व में भी इसका हिस्सा होगा, और प्लस इसका सरप्लस में भी इसका हिस्सा होगा, जो कि जोड़ेंगे। तो अगर रिजर्व में देखा जाए तो 2,000, और इधर भी आ जाते हैं 6,000, यानी टोटल देखा जाए तो 2,000। क्योंकि माइनॉरिटी वाला तो भैया बोलेगा मैं तो पहले भी वही था, अब भी पहले भी मेरा अधिकार था, अब भी मेरा अधिकार है, तो 6,000। तो रिजर्व में इसका अधिकार कितना होगा? 8,000। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो पहले कितना था? 2,400 और 17,400। तो 2,400 और प्लस 17,400, तो 19,800। तो सरप्लस में 2,400 और प्लस 17,400, 19,800। समझ रहे बात को? 19,800। तो अगर हम इसको देखें तो 27,800। तो माइनॉरिटी के अंदर कितना जाएगा? 27,800 तो ये जाएगा, और 2,00,000 ये जाएगा, टोटल चला जाएगा लाइबिलिटी में 2,27,000। समझ रहे हो बात? टोटल 27,800। दीप्ति ने जवाब दे दिया। पहले यहां तक देखो, जितना मैंने पूछा है सवाल सिर्फ उसको फोकस करके आप देखना कि ये वाला पार्ट समझ में आया नहीं आया, तब मैं आगे जाऊंगा जो कैपिटल रिजर्व बच्चे पहले बोल रहे थे।
17600 आएगा सर एस में, पोस्ट में 17600 आएगा एस में, पोस्ट में। यस, ये पोस्ट वाला है लेकिन ये सब्सिडरी के लिए है, तो माइनॉरिटी में तो जाएगा ही जाएगा ही। सत्रह छह सौ मैंने गलत ले लिया कि? अच्छा नहीं, 17400 ही है, ये गलत कैलकुलेट कर दिया शायद, बच्चे ये कह रहे हैं मुझे लगता है। 44000 इंटू में 40%, अच्छा 17600, चलिए चलिए वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 17600। और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 17600, 17600, और ये आ जाएगा टोटल, टोटल फॉर्मेट में 20000, और ये आ जाएगा हमारा 28। लीजिए जी, आपने बोला मैंने ठीक कर दिया 28, वो मेरी गलती हो गई थी, समझ में आना चाहिए। देखो जो बच्चा देख रहा है कि सर ये जाना चाहिए इस तरीके से जाना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है उसको, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो बोलेगा हाँ सर हो गया टोटल कर लिया। 28000 सर प्लीज एक बार पूरे पोस्ट लास्ट में रिपीट, हाँ लास्ट में कर देंगे, पहले अभी यहां तक देखिए, समझ में आया? अब मुझे ये बताइए कि मैंने सामने वाली कंपनी को खरीदा है ना, पूरा नहीं खरीदा जो भी खरीदा, और खरीदने के लिए मैंने उसको क्या दिया सर? इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदे उसके, कितने खरीदे? 3 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लिए, लेकिन मुझे फ्री में कुछ ना कुछ मिल गया, उसका रिजर्व भी फ्री में मिल गया, उसका सरप्लस भी फ्री में मिल गया। तो कितना रिजर्व फ्री में मिला आप इधर देखिए, पोस्ट वाला रिजर्व तो फ्री में नहीं मिला भाई, वो तो मैंने कमाया है। तो कौन से वाला रिजर्व इसको फ्री में मिल जाता है, कौन से वाला सरप्लस इसको फ्री में मिल जाता है? प्री वाला, ठीक है ना? तो देखा जाए तो 3000 ये फ्री में मिला इसको, रिजर्व में से, रिजर्व में से 3000 फ्री में मिला, और यहां प्रॉफिट में से कितना मिल गया इसको फ्री में? 3600 फ्री में मिल गया, प्रॉफिट में से कितना फ्री मिल गया? 3600। दैट इज अगर हम टोटलिंग पे जाएं तो टोटलिंग के अंदर 3 लाख प्लस 3000 प्लस 3600, तो हमें 3,66,100 रुपए का सौदा मिल गया, 3,66,100 रुपए का सामान मिल गया। बदले में हमने पेमेंट कितना किया? बदले में हमने पेमेंट कितना किया उसे, इन्वेस्टमेंट कितना किया? सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 लाख रुपए। तो दैट इज 6,600 रुपीज का हमारा क्या आ गया यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व आ गया। क्या आ गया? 66 का, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है ना, 66 का क्या आ गया हमारा, कैपिटल रिजर्व आ गया। यानी अगर आपसे मैं इस सवाल में पूछूं, यहाँ पे वैसे हालांकि गुडविल है क्योंकि कुछ रहा होगा बीच में, मेरा सवाल थोड़ा सा ये मैंने रीचेंज करा, तो हमें दो चीज पूछा जाता है, और जो ये वाला प्रोसेस करते हैं ना इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल करने का कॉस्ट क्या पड़ा। तो भैया हमने फायदा कर लिया 6,600 रुपये का कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना? तो दो चीजें निकालनी होगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछेगा जो कि लास्ट ईयर भी पूछा गया था, और एक गुडविल या ये पूछेगा, ठीक है? अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट के शेयर्स कैपिटल को जोड़ा जाएगा। अब देखो मैं यहां नई बैलेंस शीट आपके सामने बना के दिखाता हूं ताकि सो दैट क्लियर हो। नई बैलेंस शीट में शेयर्स कैपिटल आएगा, लेकिन शेयर्स कैपिटल अकेला 10 लाख रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा, कौन बच्चा बताएगा? सोच के बताना है। रिजर्व एंड सरप्लस, हम कुछ रिजर्व एंड सरप्लस अपनी वाली तो है ही है मेरी, भाई मेरी अपनी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सब्सिडरी कंपनी को था तो जो मैंने कमाया था तो वो मेरा ही रिजर्व था, तो जो मैंने कमाया था रिजर्व में देखा जाए तो ये 9,000 रुपए, ये मेरा ही रिजर्व था, तो एक तो 9,000 रुपए ये जोड़ लूंगा मैं अपने रिजर्व में, ठीक है? तो रिजर्व में कितना आएगा हमारा सर? 9,000 रुपए आ जाएगा। टोटलिंग भी कर लेना मन मन में या कैलकुलेशन कर लेना। सरप्लस की बात करें तो भाई मेरा सरप्लस तो 1 लाख तो मेरा ही है, और प्लस मैंने जो कमाया था पोस्ट वाले में से वो बस जोड़ा जाएगा, जो कि हमारा प्रॉफिट में से पोस्ट वाले में जो मैंने टिक लगाया था वो जोड़ा जाएगा, दैट इज 26,26,400 रुपए। इसके बाद एक एमआई भी इधर आ जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, मैं नीचे लिख रहा हूं एमआई यहां पे, यहां पे एमआई, क्योंकि आना यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस के बाद हमारा 2 पॉइंट बन जाता है एमआई का, तो मैं अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं, चलो अगर एमआई की बात करूं तो एमआई आपने बताया मुझे कितना आएगा हमारा, 2 लाख, समझ रहे बात को? साथ के साथ कैपिटल रिजर्व भी यहां पे आ जाएगा। मैं थोड़ा उधर इधर लिख रहा हूं लेकिन आपको मैं टोटलिंग करके बता दूंगा 6,600, और प्लस इसका ट्रेड पेबल भी मेरा ही माना जाएगा, दैट इज मेरा ट्रेड पेबल कितना हो जाएगा, 3 और 2 सॉरी 5, 2 लाख, 2 लाख है ना, और 5, 2.5 लाख,
इधर का टोटल डन। एसेट्स में से बस एक पॉइंट हटा दिया जाएगा, एसेट्स तो हमारा सारा होगा, जैसे कि 13 और 6 19 होना चाहिए, 19,20,000 होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक 3 लाख रुपए का कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच गया हमारा, 17,20,000। आप इन सभी के टोटल को चेक कर लीजिए, क्या ये 17,20,000 बन रहा है या नहीं बन रहा, चेक कर लेते हैं। क्या था सर, 6,600, 10 लाख, 9,000, 1,26,400, और साहब 2,28,000, और 2,50,000। तो आप देखेंगे 16,20,000 और क्या रह गया हमारा, सोलह लाख बीस हजार 1 लाख रुपए क्या रह गया, प्रॉफिट रह गया। अच्छा, 6,600, 10 लाख, 9,000, 1,26,000, 2,28,000, 2,50,000, टोटल गलत हो गया। 6, 13 और 6, 19, 20, इसमें से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच गया 17,23,00,000 होगा ना, 6 होगा ये, 16,20 आएगा, ठीक है ना। तो आप टोटल करेंगे तो ये 16,20 ही बनेगा, 9,000, 1,26,400, और प्लस में 2,28,000, और आप देखेंगे 2,50,000, तो हमारा 16,20,000 ही बनता, ठीक है। तो ये देखो मैंने बहुत रफली किया है, आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हो तो नई वाली बैलेंस शीट में। इस चैप्टर को सीखने के लिए मैं तो और भी क्लास लंबी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहली क्लास है, पहली क्लास में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट करा दूंगा तो बहुत एक्टिंग हो जाएगा। इस चैप्टर को सीखने का एक ही मात्र तरीका है, अभी मैं अपलोड करवा दूंगा, विद इन अ 10 to 20 मिनट्स में आपके पास ये अपलोड होके मतलब के क्वेश्चंस भी आ जाएगा, पीडीएफ भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा। आज आप जितना मैंने कराया है एक बार उसको देखिए, और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, बिना देखे करना है और फिर मैच करना है, एक बार कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। कल सेम टाइम क्लास रखेंगे, अगर आज ये कर लेते हैं तो कल वाली क्लास में आपको ढेर सारा एडजस्टमेंट भी बता दूंगा, जो कि लगेगा अरे ये तो आसान ही है और ये अमलगमेशन के जैसा ही है, वही कॉमन डेट वाला, वही अनरियलाइज प्रॉफिट वाला, और एक दो पॉइंट और आ जाएगा शायद उसमें, ठीक है ना। यस, मैं कल नई वाली बैलेंस शीट से कराऊंगा। तो एक बार मैं कंक्लूड करूं तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट क्या है सर, जब हम किसी भी कंपनी का 51% से ज़्यादा स्टेक, या 51% स्टेक मतलब 50% से ऊपर का स्टेक ले लेते हैं कंसोलिडेट, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाता है। अब होल्डिंग कंपनी क्या करता है, उसका सारा कंट्रोल आ गया तो उसके सब कुछ अपने आप में ऐड कर लेता है, और ऐड करते टाइम पे ध्यान रखता है कि जो इन्वेस्टमेंट और जो लाइबिलिटी कैंसिल आउट होता है उसको तो ऐड नहीं करेंगे। दूसरा, प्रॉफिट में प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। क्लियर है, बताइए।